सूरत सिटी में हवे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट नो वधारो थई रह्यो छे, त्यारे मेट्रो नुं काम हाल पूरजोश में चाली रह्युं छे। जमीन थी अंदर सूरत में मेट्रो ट्रेन दौड़ावा बे कोरिडोर बनावामां आवशे, जेमां एक कोरिडोर डिसेम्बर 2023 सुधी में चालू करी देवामां आवशे। त्यारे आवो जोईए जमीन नी अंदर थई रहेली मेट्रो नी कामगीरी। सूरत सिटी में हवे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट नो वधारो, મેટ્રોનું કામ ચાલી રહ્યું છે પૂરજોશમાં। મેટ્રો ટ્રેન દોડાવવા બે કોરિડોર બનાવાશે। અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલના કામ પૂર્ણતાને આરે, બે રૂટ પર બનશે કોરિડોર। કોરિડોર 18.84 કિલોમીટરનું રૂટ વિકસાવવામાં આવશે। भसाण थी सारोली रूटना टेक्सटाइल कोरिडोर तरीके ओळखाशे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सूरत शहर की नवी ओळख बनवा जई रह्यो छे, त्यारे मेट्रो नुं काम हाल पूरजोश में चाली रह्यो छे। जमीन थी अंदर सूरत में मेट्रो ट्रेन दौड़ावामां आवशे, जेने लई काम खूब ज झड़पथी थई रह्यो छे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बे कोरिडोर बनाववामां आवशे, जेने लई अत्यारे अंडरग्राउंड टनल में काम पूर्णताने आरे आव्या छे। पहलो कोरिडोर सरथाणा थी ड्रीम सिटी और भैसाण थी सारोली ने जोड़ता बे रूट पर कोरिडोर बनावामां आवशे। तो ये अंडरग्राउंड का हमारा पहला स्टेशन है, यहाँ से हम लोग कपोदरा से शुरू कर रहे हैं अपना अंडरग्राउंड का काम और ये चौक बाजार तक जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा पहला पैकेज है वो पैकेज कपोदरा से लेकर के सेंट्रल वेयर हाउस तक है। तो इस वाले पैकेज में जो हमारी टोटल टनल है दोनों मिला करके अप और डाउन लाइन, तो ये तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब है। तो उसमें से 1.5 किलोमीटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रतिदिन दोनों टनल के अंदर हमारा 8 से 10 मीटर हम लोग आगे काम कर पा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हम बाय दिसंबर ये दोनों टनल कंप्लीट कर लेंगे। फेज़ वन के लिए जो, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो जैसे अभी हम लोग सिविल काम कर रहे हैं तो इसके बाद में ट्रैक्शन और बहुत सारे MEP वगैरह के काम भी रहते हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि हमारा दिसंबर 24 तक ये हमारा फेज वन कंप्लीट हो जाएगा। ये डायमंड कॉरिडोर है कहाँ तक, कहाँ से कहाँ? तो ये डायमंड कॉरिडोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा नॉर्थ में सरथाना से लेके साउथ में ड्रीम सिटी तक है और ड्रीम सिटी में ही हमारा एक इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए डिपो। सूरत मेट्रो रेल ना कुल 40.35 किलोमीटर रूट माथी सरथाणा ने ड्रीम सिटी साथे जोड़वानु काम चाली रह्यु छे, त्यारे सरथाणा ने ड्रीम सिटी साथे जोड़वाना 21.61 किलोमीटर ना कामे वेग पकड्यो छे। सरथाणा थी ड्रीम सिटी सुधीना रूट ने डायमंड कोरिडोर तरीके, जारे भेसाण थी सारोली रूट ने टेक्सटाइल कोरिडोर तरीके ओळख आपवामां आवशे। सरथाणा थी कापोद्रा लाभेश्वर चौक लंबे हनुमान रोड थी सूरत रेलवे स्टेशन थईने हाईवे थईने मजूरा गेट थी अलथाण गाम थईने ड्रीम सिटी सुधी मेट्रो दौड़ावामां आवशे। मेट्रोना बीजा तबक्कामां भेसाण थी सारोली ने जोड़ता कोरिडोर 18.84 किलोमीटरनो रूट विकसाववामां आवशे। अमार्ग पर उधना दरवाजा थी आगळ कमेला दरवाजा, अजाण फार्म, मॉडल टाउन और मगोब एक्सटेन्शन ना घणा टेक्सटाइल मार्केट आवेला छे। आ कोरिडोर नंबर 2 एटले के भेसाण थी सारोली रूट ना टेक्सटाइल कोरिडोर तरीके ओळखाशे। अंडरग्राउंड रूट माटे GMRC द्वारा टनल बोरिंग मशीन थी मदद लेवाई हती। गुलेमार्ग एजेंसी द्वारा कापोद्रा थी लाभेश्वर चौक सुधी माटेनी टनल बनावा माटे 1 TBM मशीन सप्टेम्बर मास में उतारी दीधुं हतुं અને હવે પણ બીજા ટ્રેક માટે આ ટનલની બાજુમાં અન્ય ટનલ માટે બીજી TBM મશીન પણ ઉતારી દીધું હતું। એન્જિનિયરોએ જણાવ્યું હતું કે માર્ચ 2025 સુધીમાં 2 કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે, પરંતુ સરથાણાથી ડ્રીમ સિટીનો કોરિડોર ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં શરૂ કરાશે। સુરત શહેરમાં મેટ્રો ટ્રેનનું કામ ખૂબ પ્રગતિમાં છે, ખાસ કરીને સુરત શહેરની વાત કરવામાં તો સુરતના સરથાણાથી ડ્રીમ સિટી તેમજ કાપોદ્રાથી ચોક સુધીની આ જે રેલવે જે મેટ્રોની કામગીરી જે છે તે ચાલી રહી છે। ત્યારે જે પ્રકારે જોઈ શકો છો કે મેટ્રોનું જે આ ટનલો જે છે અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલો જે છે તે તૈયાર કરી દેવામાં આવી છે અને કહી શકાય કે સરથાણાથી ડ્રીમ સિટી અને સારોલીથી ભેસાણ સુધીનો આ જે કોરિડોર છે તે બનવામાં આવી રહ્યો છે। સરથાણાથી ડ્રીમ સિટી વચ્ચે 21.61 કિલોમીટરનો જે રૂટ છે તે રૂટ રહેશે। કહી શકાય કે જે બીજો કોરિડોરનો ભેસાણ અને સારોલીનો જે કોરિડોર છે તેમની 16 કિલોમીટરની લંબાઈ રહેશે। જે પ્રકારે જોઈ શકો છો આ અંડર જે ટનલો જે અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલો તે તૈયાર થઈ ચૂકી છે। આપણી સાથે મેટ્રોના અધિકારી છે, એમની સાથે વાત કરીશું જીસ પ્રકાર સે કામ ચાલ રહા હૈ, કે કિતના કામ બાકી હૈ ઓર કિતના હુઆ।
और टनलिंग की बात करें तो अभी हमारा जो यूजी वन में है वो 30% टनलिंग हो चुकी है, 30-40%। 3.4 किलोमीटर में से अभी हमारी हो चुकी है, अराउंड 1.2-1.3 किलोमीटर हो चुका है। किस तरह का आयोजन किया गया है और किस तरह की टनल बनाई? हमारा प्लानिंग जो है अभी है जियोलॉजिकल स्ट्रेटा पे डिपेंड है। जो अभी है हमारा जो प्रोडक्शन करंट चल रहा है वो 8 मीटर से 12 मीटर तक पर डे चल रहा है। टनल कितनी लंबी होगी यहाँ से वहाँ? यहाँ से चौक बाजार तक 6.4 किलोमीटर। ये एक जो बन जाएगी तब कितने स्टेशन होंगे और किस तरह से लोगों का आना जाना? टोटल 6 स्टेशन रहेंगे हमारे, और स्टेशन पे जो 6 स्टेशन है उस पर एंट्री एग्जिट्स रहेंगी, ताकि वहाँ से हम जो भी हमारे टनल है हम उसका एक्सेस कर सकें और मेट्रो वहाँ से जाएगी। तो जे प्रकारे आ मेट्रो ने जी कामगिरी चाली रही है, त्या कामगिरी ने लईने क्यांकने का पूर जोश में जे तमाम काम छे ते काम करी देवामां आवी रह्युं छे, ने क्यांकने का कही शकाय के 35% जेटलुं जे काम छे ते काम जे पूर्ण छे ते थई चूक्युं छे अने मात्र थोड़ुं ज काम बाकी छे। त्यारे चोक्कस कही शकाय के सूरतमां जे मेट्रोनी कामगिरी जे छे ते पूर जोश में चाली रही छे, अने अंडरग्राउंड जे आ टनलनो नजारो जे छे ते मंतવી ન્યૂઝ ચેનલ પર સૌપ્રથમ આપે નિહાળ્યો છે, એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ તમામ કામગીરી જે છે તે પૂર જોશમાં ચાલી રહી છે। કેમેરામેન કેસી વકાસિયા સાથે દિવેશ પરમાર, મંતવી ન્યૂઝ, સુરત।